मारमी उपमंडल की पंचायत पपलाह के रहने वाले एक पूर्व सैनिक का शव गांव के कुएं में तैरता हुआ मिला। मृतक की पहचान ज्ञानचंद पुत्र स्वर्गीय संतराम उम्र 65 साल गांव तलाऊ जिला बिलासपुर के रूप में हुई है तथा ये मानसिक तौर पर ठीक नहीं था। पूर्व सैनिक का शव गांव के कुएं में तैरता हुआ मिला तथा कुएं के साथ ही तौलिया और चप्पल भी मिली, जिससे ये प्रतीत होता है कि मृतक ने खुद ही कुएं में छलांग लगाई होगी। ये व्यक्ति पिछली रात से गायब था और परिजन इसे ढूंढ रहे थे। घुमारमी थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया तथा शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। दिनांक 3/4/2020 को थाना घुमारमी में सूचना मिली कि प्लासला गांव में कोई हादसा हुआ है, जिसपे वेरीफाई करने के लिए घुमारमी से हमारी पुलिस की टीम गई हुई थी। तो वहां पता चला कि कोई व्यक्ति जो है कुएं में गिर गया है और उसकी उसमें डेथ हो गई है। और उसके बाद जब पता किया गया तो पवन कुमार वहाँ जिस गांव का था उसने बोला कि मेरा फादर है। तो जो लगभग 30-40 साल पहले जो है फौज से रिटायर आया था और थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहता था, तो उसके बाद उसको कुएं से निकाला गया। कुएं में निकालने के पश्चात जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद जो है वो डेड बॉडी जो है वो घर वालों के हवाले की गई है। अब इसमें हमारी जो है पुलिस की कार्रवाई चली हुई है, जांच जारी है। जो भी इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आएगा कानून कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल की रिपोर्ट।